हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस, मैं लाइव आया हूँ। कौन कौन आया देखने दो, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ। हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस, एक मिनट कमेंट्स देखने दो मेरे को। हेलो 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 गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा लेट हो गया है आज, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था उसमें। हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस, हाँ आई एम लाइव आई एम लाइव। हेलो 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 हेलो, एक मिनट ये ठीक करना था मेरे को। हेलो 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 हेलो, चलो आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आपकी वॉइस नहीं आ रही है? आ रहा है बेटा, वॉइस आ रहा है, मेरे को आ रहा है तो तुमको भी आना ही चाहिए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों, कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों, अभी दिख रहा है ठीक से? हेलो 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 हेलो, चलिए। सो आज जो है हम इम्पोर्टेंट डीपीपी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे वो हम सॉल्व करने वाले, सिंपल सी बेसिक सी बात है। और आज टेस्ट होने वाला है लिविंग बर्ड के ऊपर, मॉक टेस्ट आज और कल रात को 10 बजे इसके ऊपर टेस्ट होगा, ठीक है? एंड उसकी लिंक मैंने डाला नहीं है, लेकिन आप अनअकैडमी मुझे फॉलो करके जो है उसके लिंक जो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास। बाद में ये सेशन के बाद मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप जो है वो उससे एनरोल कर लेना, ठीक है? सो और ये सोशल मीडिया पे जो है मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, आप तो यूट्यूब पे है ही, तो अभी यहाँ पे आप ट्विटर एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। एंड फॉर ये जो अभी डीपीपीज मैंने दिया था कल सॉल्व करने के लिए, या पीडीएफ जो भी मैं देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो @biokatta आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर शिवम मुझे सर्च करके जो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है? एंड ये ऐसी मॉक टेस्ट जो है वो होती है, आज भी होने वाली है वॉरियर बैच की मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे रात को 10 बजे द लिविंग वर्ड के, आज और कल जो है वो होगी, तो आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ फॉर द मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीपीपी, आर यू रेडी? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। अमंग द फॉलोइंग फीचर्स व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बताओ। अमंग द फॉलोइंग फीचर व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बताओ। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, यस दैट इज करेक्ट, बोलो क्या होगा? हेलो 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 हेलो, चलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, यस ठीक है। सो इंक्रीज इन साइज जो है इट इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इसका ऑप्शन है ए आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, बताओ क्या आएगा, बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, वेरी गुड, ठीक है, क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज इज अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम, काफी इजी, टिपिकल अनसैचुरेटेड एंटीलाइन, द आंसर विल बी द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हमने देखा था ये। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, चलो बोलो करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करो, बताओ। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, यस यस यस, कम ऑन गाइस, ठीक है? तो देखो, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल से बनेंगे सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल से बनेंगे सेल्स एंड सेल से बनेगा टिश्यू, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस, ओके? या फिर सेल्स मॉलिक्यूल्स सेल ऑर्गेनल टिश्यूज, बोलो बोलो, सी होगा या बी होगा? D
डी, ठीक है डी होगा, मॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनेल, सेल्स एंड टिश्यूज। चलिए नेक्स्ट, अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन मास, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये तो मतलब काफी इजी सवाल है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑप्शन ए सी बी डी दिया है, तो ये है अभी, ये सी लिख लो, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सी आ जाएगा इसका, ओके। यहाँ पे वो सी की जगह बी और बी की जगह सी हो गया है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को लेन देन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाता है कभी कभी। चलो, द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलो क्या होगा, द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। काफी इजी, बोलो। यस, ठीक है, द राइट आंसर विल बी द कार्लस लिनाइस, ठीक है, कार्लस लिनाइस, सिंपल सी बात है, कार्लस लिनाइस, काफी इजी। नेक्स्ट, विच इज अ मोर करेक्ट, होमोसेपियंस, 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 होमोसेपियंस ई। चलो यार, मतलब यहां पे देखो, अपने को बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर रूल जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो हमने बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर में क्या देखा है कि भैया जीनस जो होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल है, और स्पीसीज का जो वो होता है फर्स्ट नेम जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल, एंड वो जो है वो कैसे होते हैं इटालियन में फॉन्ट में लिखने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बी आंसर इज करेक्ट, काफी इजी। नेक्स्ट, द बुक रिटन बाय लिनायस इज, बोलो। चलो, द बुक रिटन बाय लिनायस, लिनायस, सिस्टिमा नेचर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज प्लांट्रम, एयर बोथ ए एंड सी। द बुक रिटन बाय लिनायस, ये इजी है, ठीक है, ये तो सबको आ जाएगा। द बुक रिटन बाय लिनायस इज, यस डी ऑप्शन, ठीक है, सिस्टिमा नेचर भी लिखा है और स्पीसीज प्लांट्रम दोनों जो है वो लिखा है लिनायस ने, काफी इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ICBN stands for, अभी ये तो मतलब टिपिकल NCERT लाइन टू लाइन है, ठीक है, क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमिनक्लेचर, सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है बताओ, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स, मैंने बोला था तुमको किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा बोलो, करेक्ट सीक्वेंस, सारे के सारे आ जाते हैं, सारे के सारे करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। देखो, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इस हिसाब से ये भी करेक्ट है, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये भी करेक्ट है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है, ये भी करेक्ट है। देखो, पूरा यहीं से दिया, आधा 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 करके दिया, तो दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी ये थोड़ा सा जो है वो ये हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, इलेवन का बोलो क्या आ जाएगा, इलेवन का बोलो क्या आ जाएगा, सोलेनम ट्यूबरिज्म क्या है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरिज्म क्या है, सिंपल सी बात है, सोलेनम ट्यूबरिज्म इज अ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो है, काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये ऑप्शन, फैमिली फेलिडी एंड फैमिली कैनिडी आर कम अंडर द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर के अंडर आता है, फैमिली फेलिडी एंड कैमिली कैनिडी, फेलिडी एंड कैनिडी कौन से ऑर्डर के नीचे आएंगे बताओ, बोलो, प्राइमेटा, उंगलाटा, कॉर्डेटा, कार्निवोरा, कार्निवोरा, ठीक है, दोनों जो है डॉग एंड कैट कार्निवोरा के नीचे आते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट कैटेगरी इज, द हाईएस्ट कैटेगरी, इसमें से हाईएस्ट कैटेगरी चूज करना है तुमको, द हाईएस्ट कैटेगरी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, किंग, किंग, यहां पे किंग है ही नहीं, है ही नहीं किंग यहां पे, तो
क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस आ जाएगा। हाईएस्ट कैटेगरी इज किंगडम एंड लोएस्ट इज स्पीसीज, इसमें दोनों भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, बहुत से बच्चे गलत हो गए इस क्वेश्चन में, बहुत से बच्चे बी बोल रहे थे, बी कैसे आएगा बेटा, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछा है। चलो जूलॉजिकल नेम ऑफ द हाउस फ्लाई, जूलॉजिकल नेम ऑफ द हाउस फ्लाई क्या होगा, जूलॉजिकल नेम ऑफ द हाउस फ्लाई, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका अकॉर्डिंग टू, तो यहां पे देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की भी लिखा है, सो मस्का डोमेस्टिका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, पोएसी एंड पोएल्स आर रिस्पेक्टिवली क्या है, पोएसी, पोएसी एंड पोएल्स ये रिस्पेक्टिवली क्या है बताओ, बोलो। काफी इजी, ए फॉर अनन्या, ओके, पोएसी एंड पोएल्स, पोएसी क्या होगी, देखो सी ए सफिक्स आया है, सी ए सफिक्स आया है, तो जब भी सी ए सफिक्स आता है इट मस्ट बी द फैमिली, ठीक है, एंड ओएल्स ए एल ई एस जब सफिक्स आता है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है, सो दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, लॉयन लियोपॉड टाइगर कमांडर, लॉयन लियोपॉड टाइगर कमांडर, जीनस पैंथेरा, फैमिली फेलिडी, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मैमिलिया, ऑल ऑफ द अबव, काहे आ जाएगा बोलो, काफी इजी, चलो चलो चलो, लॉयन लियोपॉड टाइगर, जीनस पैंथेरा है क्या, अरे हाँ है, अरे फैमिली फेलिडी है का, अरे हाँ है, ऑर्डर कार्निवोरा है का, अरे हाँ है, मैमिलिया है का, है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कमांडर ऑल ऑफ द, देखो मैंने डीपीपी में मैं जो एमसीक्यू देता हूँ ना वो 30-40 एमसीक्यू होते हैं, लेकिन उसमें पूरा चैप्टर कवर जाता है, इसमें देखो तुम्हारा, तुमको पता चल गया लायन लियोपॉड टाइगर का जीनस पैंथेरा आता है, फैमिली फिलिडी आती है, ऑर्डर कार्निवोरा आता है, क्लास मैमिलिया आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिपोजिटरी कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन दैट इज ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन द शीट्स, काफी इजी, क्या कहेंगे, हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम। नेक्स्ट, द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली अकॉर्ड इन अ पेयर, ये तो मैंने कितना मस्त तुमको बताया था, ठीक है, जनरली पेयर में अकॉर्ड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बोलो, ठीक है, कॉपलेट, कॉपलेट, कपल कहेंगे कॉपलेट, ठीक है, रिपोजिटरी कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमन ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन द शीट्स दैट इज हर्बेरियम, कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली अकॉर्ड इन पेयर, इट्स कॉल्ड एज कपलेट। Okay, then what is true about the biological museum? It is a collection of reserved plants and animals. Insect boxes are found, stuffed animals. Yes, सारे के सारे ये feature है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, D option. Okay, biological museum के बारे में, पूरा biological museum यहाँ पे cover हो गया, देख simple सी बात है। Next, which contains actual amount of habitat and distribution of plant species of a given area? Actual amount, मैंने तुमको ट्रिक बताया था, जब भी actual account of habitat ये वर्ड आएगा उसका आंसर क्या होगा, बोलो, which contains actual account of habitat and distribution of plant species of a given area? Flora, very good, very good, सबने करेक्ट दिया है, समझ गए तुम लोग। चलो नेक्स्ट, एन अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या अनएक्सेप्शनली मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो डिफरेंशिएट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहा हूं। चलो बताओ, काफी इजी, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। चलो बताओ 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 बैंगनो बताओ, मजा आ जाएगा तुमको। चलो, रिप्रोडक्शन करता है क्या एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ एंड मूवमेंट एक्सेप्शन है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, अभी इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट आएगा या रिस्पॉन्सिवनेस आएगा, आई वॉन्ट टू नो। यस, ठीक है, सो मोस्ट करेक्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन में तुम लोग कंफ्यूज होने वाले हो, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड द रिस्पॉन्सिवनेस, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, यस, ठीक है।
इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड इट लीड्स टू द इवोल्यूशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस में अभी क्या होगा कि अभी ये जो देखो, अभी ये टच पैड आ गया, ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को, लेकिन मोस्ट यहाँ पे सी और डी में मोस्ट करेक्ट इज सी ऑप्शन। चलिए, द टर्म टैक्सोन इज यूज फॉर, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो रिस्पॉन्स कर रहा है, ये आईपैड भी तो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, यहाँ पे मैं उसको टच कर रहा हूं, तो चलो द टर्म टैक्सोन इज यूज फॉर, बताओ द टर्म टैक्सोन इज यूज फॉर, टिपिकल आंसर की लाइन टू लाइन बोल क्या आ जाएगा, सिंपल, यस वेरी गुड, द रैंक्स ऑफ स्पीशीज एंड जीनस, द रैंक्स ऑफ द रैंक्स अप टू द फाइलम, द स्पीशीज इफिट ओनली एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द टर्म टैक्सोन इज यूज फॉर, यस ठीक है, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन, ठीक है, टैक्सॉन है ये टर्म जो है, हम उसको दे देते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, डैश डैश इज द ओनली टैक्सॉन दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट, बताओ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट मतलब बायोलॉजिकली एग्जिस्ट करता है वो कौन सा यूनिट है, चलो चलो बताओ, काफी इजी, स्पेसीज, ठीक है, बायोलॉजिकली यही एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी हमने जो है वो थियोरेटिकली बनाया है, सिंपल सी बात है, ओके, डैश डैश हैज अ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, देखो जो सबसे ऊपर होगा उससे कम कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगे, जो सबसे नीचे आएगा उसके सबसे ज्यादा, तो किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स, इसमें सबसे ऊंचा कौन आ रहा है, देखो किंग प्ले चेस, यहां पे फाइलम तो नहीं है, क्लास दिया गया है, ठीक है, और फिर इसके बाद ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, तो यहां पे क्लास जो है सबसे ऊपर आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, सबसे लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश डैश आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग न्यू प्लांट स्पीसीज, बताओ डैश डैश आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग न्यू प्लांट स्पीसीज, क्या कंसिडर किया जाता है, कैरेक्टर्स ऑफ एंडोस्पर्म, एनाटोमिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फ्लोरल कैरेक्टर्स, इंडोस्पर्म तो आएगा नहीं, ठीक है, एनाटोमिकल कैरेक्टरिस्टिक तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखा जाए तो स्ट्रक्चर में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, सेम थिंग गोज फॉर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बचता क्या है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, डी ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट, द सफिक्स एल ई एस इज यूज फॉर, द सफिक्स एल ई एस इज यूज फॉर, अभी अभी बताया था मैंने, ठीक है, जब भी ए एल ई एस ये सफिक्स आता है क्या यूज करते हैं हम, ऑर्डर, चलो ठीक है, ऑर्डर 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 ऑर्डर, चलो व्हाट इज कैटलॉग, कैटलॉग क्या है गाइस, व्हाट इज कैटलॉग, ठीक है, सो व्हाट इज कैटलॉग, इट्स अ रजिस्टर दैट कंटेनिंग ऑल द स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल सी बात है, रजिस्टर कंटेनिंग ऑल द नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर स्पेस, चलो या बी आ जाएगा, या ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, चलो ठीक है, अ कपलेट इन अ की इज, व्हाट इज कपलेट इन अ की, अ कपलेट इन अ की इज, ई स्टेटमेंट इन द की, कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर, रिजेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट इन ऑल ऑफ दिस, अभी अभी किया था हमने, इट्स अ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पेयर, ठीक है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गायनोशियम प्रेजेंट है, दो कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, चलो नेक्स्ट, अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्या आ जाएगा, हर्बेरियम, क्विक रेफरल सिस्टम, चलो नेक्स्ट, अ बॉटनिकल गार्डन सर्व्स पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग, अ बॉटनिकल गार्डन सर्व्स पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग,
एरिया ऑफ रिक्रिएशन रिजर्वायर ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट्स, एक्स सिटी कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, बताओ। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। देखो बहुत लोग मस्त आंसर कर रहे हैं, प्रज्ञा, वैष्णवी, अश्लेषा, खुशबू, निकिता, वैष्णवी, स्नेहा, रुबिस्को, पाकिजा, तनुजा, अश्लेषा, रुबिस्को, ऐश्वर्या, सौरभ, खुशबू, सूरज, कोमल, अल्मास, तनुजा, उर्वी, स्नेहा, वेरी गुड गाइस। ठीक है, क्या आ जाएगा? सिंपल सी ऑप्शन है, इट्स एक्स सी टू कंजर्वेशन फॉर जर्म प्लाज्म। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग थिंग में ही पाया जाता है। ठीक है, ये तो बी तो यहां पे इलिमिनेट हो जाता है। ठीक है निकिता, वेरी गुड, सत्यम, वेरी गुड, यस रुबिस्को शर्मा, वेरी गुड। चलो ठीक है, देन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन विट्रो, नो, इट इज आल्सो नो। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली या परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, क्या आ जाएगा? एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी यहाँ पे इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली इज द मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली इट्स एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी इज फाउंड इन, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी, ये तो हमने अगले अभी हम पढ़ने वाले हैं अगले इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा लेकिन ये मतलब ये पूरा हम प्लांटी फंगा कल से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे गाइस, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो कल 1 बजे से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मॉक टेस्ट है, आपको बता देना चाहता हूँ। सो ठीक है, सो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटीज मोनेरा में पाई जाती है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से है बता दो। बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द रेफरेंस, अ म्यूजिकल हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट, अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो। की इज अ टैक्सोनॉमिक गाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, हर्बेरियम हाउसेस ड्राई प्लेस एंड प्रिजर्व फॉर प्लांट स्पीशीज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुमको जो है वो चूज करना था यहाँ पे। बॉटनिकल गार्डन्स, यस करेक्ट, की यहाँ पे करेक्ट, हर्बेरियम यहाँ पे करेक्ट, म्यूजियम में एक्चुअल एनिमल भी होते हैं फोटोग्राफ के अलावा भी। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, बताओ। Which of the following is contrary to the rules of nomenclature? When written by hand, the names are underlined. That is correct. Biological names can be written in any language? No. ठीक है, Latin language में हम करते हैं और font कौन सा italics होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। So that's why ये गलत है। B option आ जाएगा इसका। Select the correct scientific name. चलो ये ऊपर की जो rules है वो follow करके correct scientific name जो है बताओ। Mango, mango, mango season खत्म हो रहा है अभी। कार्लिन तो यहाँ पे होगा नहीं, एब्रीवेटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गया, यहाँ पे तो कैपिटल दिया गया है, इसमें एब्रीवेटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो यहाँ पे ये कोई कैपिटल है, ये स्मॉल है, एब्रीवेटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम है, तो मैंजिफेरा इंडिका, काफी इजी लीन साइंटिस्ट ने क्योंकि खोज की थी उसकी। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एनिमल इज की इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे? अभी अभी सॉल्व किया था ना ये, इजी है, वी कॉल्ड इट एज अ कपलेट। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। डैश डैश इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीपीएल, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, नो। जेनेरिक नेम हम कैसे लिखते हैं गाइस? जेनेरिक नेम जो है हम लिखते हैं विद द कैपिटल और स्पीसीज जो है हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज अगेंस्ट। नेक्स्ट, As we go from species to kingdom in a hierarchy, the number of common characteristics, ऊपर जा रहे हैं, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, विल डिक्रीज, ये तुमको बताया था मैंने। ठीक है, कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स
नीचे जाता है, डिक्रीज, ठीक है। और जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए, डैश डैश इज नॉट अ कैटेगरी, फाइलम कैटेगरी है, स्पीसीज इज अ कैटेगरी। ये दिख नहीं रहा है ना, सॉरी सॉरी, मेरे को इधर इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ग्लूमेस इज नॉट अ कैटेगरी गाइस, ग्लूमेस इज नॉट अ कैटेगरी, ये ध्यान में रखना, ओके। सो दैट्स व्हाट डी आ जाएगा, इसका सिंपल सी बात है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैट्स आर प्लेस्ड अंडर जीनस, काफी इजी। चलो, कैट्स आर प्लेस्ड अंडर जीनस, यस बताओ, यस दृश्मिता, वेरी गुड, निकिता, क्षमा, तनुजा, सौरभ, कैट्स आर प्लेस्ड अंडर जीनस। चलो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बायो का कल हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल मजा आने वाला है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और आज रात को वॉरियर बैच की टेस्ट है, तो सबने आ जाने का है वॉरियर बैच की टेस्ट में, ठीक है। कल और आज, आज रात को 10 बजे और कल भी रात को 10 बजे जो है वो टेस्ट होगा, तो आ जाने का है, ओके। एंड मेरी नई सीरीज लॉन्च हुई है, दूसरा एक मेरा चैनल है, दैट इज ई कट्टा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो तुम्हारे साथ नीट एस्पिरेंट्स के साथ इज द स्ट्रेस नाम की नई सीरीज जो है मैंने स्टार्ट की है, तो आप उसका एपिसोड देख सकते हैं, वो अभी अभी पब्लिश हुआ है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा गाइस। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो बाय गाइस।